दोस्तों इस वीडियो में हम येस बैंक सेविंग्स अकाउंट के ऊपर एक डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप घर बैठे बैठे येस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। पर उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि येस बैंक के सारे फीचर्स क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने बहुत सारे यूट्यूब पर थंबनेल देखे होंगे कि लोगों ने ज्यादा व्यूज लेने के चक्कर में अपने थंबनेल्स पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि येस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। अब इस वीडियो में हम ये भी एनालाइज करेंगे कि क्या सच में येस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है, या फिर अगर नहीं करता तो उसके अंदर मुझे कितना मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब इसके अलावा और भी इसके सारे फीचर्स को एनालाइज करेंगे, जैसे अगर मैं येस बैंक में एक अकाउंट ओपन कर तो लेता हूं लेकिन उसमें मुझे सेविंग्स अकाउंट पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मैं फिक्स डिपॉजिट ओपन कराता हूं येस बैंक में तो उस केस में मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम दूसरे बैंकों से भी कंपेयर करेंगे, और एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको लगता है कि आपके लिए येस बैंक में एक अकाउंट ओपन करना बेनिफिशियल है तो ही आप इस बैंक में अकाउंट ओपन करना। वैसे अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है वो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इजीली उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप येस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और इजीली अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहां पर वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं कि येस बैंक में आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। एक बार मैं आपको येस बैंक की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका भी एक बार पेज दिखाता हूं। यहां पे नीचे आप देखो बड़ा बड़ा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि येस बैंक में जो आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो है 10,000 रुपये। यानी अगर आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे अकाउंट ओपनिंग की ट्राई करते हो येस बैंक में, तो कम से कम आपको 10,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। और 10,000 रुपये भी नहीं, दो प्रकार के अकाउंट है येस बैंक जो ऑफर करते हैं, तो दोनों का मंथली एवरेज बैलेंस मैं आपको बताऊंगा। यानी एक में 10,000 रुपये मेंटेन करना है और दूसरा जो अकाउंट है वो इससे बेटर अकाउंट है, उसमें 25,000 रुपये आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। अब एक काफ़ी लोगों का सवाल ये भी आएगा कि चलो ठीक है, ऑनलाइन अगर ये लोग बोल रहे हैं कि आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा तो मैं एक काम करता हूँ, ब्रांच में जाके विजिट करता हूँ येस बैंक की ब्रांच में, तब जाकर के एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लूंगा। तो इस केस में चाहे आप ऑनलाइन ट्राई कर लो चाहे आप ब्रांच विजिट कर लो, किसी भी केस में आप जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट येस बैंक में ओपन नहीं कर सकते। इवन ये तो वेबसाइट का पेज हो गया, जब मैं वीडियो बनाता हूं तो पहले एक बार खुद ट्राई करता हूं मैं कि अकाउंट एक बार खुद खोल के देखता हूं कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी काफ़ी बार क्या होता है कि जब भी आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हो तो काफ़ी सारे बैंक्स में प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं KYC में दिक्कत आ जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो जब मैं खुद ट्राई कर रहा था तो उस केस में भी जब 3-4 स्टेप्स के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि सेलेक्ट योर अकाउंट का, कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है। बेसिकली दो टाइप के अकाउंट येस बैंक ऑफर करता है, पहला तो है प्रो अकाउंट और दूसरा है प्रो प्लस अकाउंट। यानी इनका जो पहला सेविंग्स अकाउंट है उसका नाम है प्रो, यानी सेविंग्स अकाउंट येस बैंक प्रो अकाउंट, और दूसरा है प्रो प्लस अकाउंट। तो इस केस में जब आप अगर प्रो अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 10,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और प्रो प्लस अकाउंट अगर आप ओपन करते हो तो उस केस में आपको 25,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो इस केस में जीरो बैलेंस का तो कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट किसी दूसरे बैंक में ओपन करना है तो आज की डेट में 5 ही बैंक ऐसे हैं जो आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं। दे बहुत सारे रहे हैं लेकिन इनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी काफ़ी बेटर है और सर्विसेज भी काफ़ी बेटर हैं। इनमें आज की डेट में सबसे बेस्ट तो कोटक महिंद्रा बैंक, यानी कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। इसके बाद जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। फिर आज की डेट में FI मनी, जुपिटर मनी और इंडसइंड बैंक, ये 5 जो बैंक्स हैं ये आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट घर बैठे बैठे ओपन हो जाते हैं। आपको इवन ब्रांच विजिट करने की भी जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपका घर बैठे बैठे हो जाता है। इन 5ों बैंकों के जो अकाउंट ओपनिंग के लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इजीली आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब वापिस लौटते हैं येस बैंक के ऊपर। येस बैंक को जो हम डिस्कस कर रहे थे तो इस वीडियो में हम इन दोनों अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे, यानी प्रो अकाउंट को और प्रो प्लस अकाउंट को, कि प्रो अकाउंट में येस बैंक क्या ऑप्शंस देता है और प्रो प्लस अकाउंट में येस बैंक क्या ऑप्शंस देता है। ऐसा नहीं कि बैंक बुरा है, देखो मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना, अगर मान लो कोई ये बैंक बोल देता है, कोई बैंक बोल देता है अगर कि आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक बुरा है। ठीक है, येस बैंक के साथ पीछे जो भी इंसिडेंट्स हुए कि राणा कपूर ने रिजाइन कर दिया, इनके CEO ने, जो भी इंसिडेंट्स हुए, लेकिन आज की डेट में बैंक दोबारा से एक अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि बैंक मतलब आपका पैसा डूब जाएगा, पैसा तो वैसे भी नहीं डूबेगा क्योंकि 5 लाख रुपए तक तो DICGC खुद आपको इंश्योर करता है कि अगर कल को कोई बैंक डूब भी जाता है तो DICGC जो RBI की सब्सिडियरी बॉडी है वो खुद ये बोलती है कि अगर कल को कोई बैंक डूब जाता है तो कस्टमर का 5 लाख रुपए तक तो 101% DICGC हर कस्टमर को देगा। तो अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि येस बैंक कल को डूब सकते हैं, मन में कुछ भी डाउट है, तो 5 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस इस बैंक में मत डिपॉजिट करो। 5 लाख तक तो RBI की जो सब्सिडियरी बॉडी है वो खुद गारंटी
लेती है हर कस्टमर के पैसे की, कि कल को बैंक डूब भी गया तो DICGC अपनी जेब से पैसा देगा। तो 5 लाख रुपए तक तो किसी भी बैंक में ओपन कर लो अकाउंट, वहां 5 लाख रुपए तक तो आपका पैसा 101% वैसे भी सेफ है। अब यहां पर एक चीज हम और भी डिस्कस करेंगे कि काफी लोगों के कमेंट्स ये भी जरूर आएंगे कि मैंने खुद येस बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन किया, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। देखो वो जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन होता है उसे येस बैंक बोलता है। येस बैंक का जो प्रो अकाउंट है ना उसके ब्रैकेट में लिख देते हैं लिमिटेड अकाउंट। यानी देखो दो टाइप के मैंने आपको अकाउंट्स बताए, एक तरफ आएगा येस बैंक का प्रो अकाउंट, प्रो सेविंग्स अकाउंट, और एक तरफ आता है येस बैंक का प्रो प्लस सेविंग्स अकाउंट। अब ये जो प्रो अकाउंट है ना, अगर आप इसकी KYC कंप्लीट नहीं करते, KYC अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो इस अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी और ये अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा BSBD अकाउंट में, जिसे आप सिंपल भाषा में जनधन खाता भी बोल सकते हो। तो जनधन खाता तो हर बैंक के अंदर ही खोलता है, ऐसा नहीं आप चाहे SBI में खोल लो, चाहे ICICI में खोल लो, चाहे HDFC में खोल लो, वो तो भारत सरकार का एक अकाउंट है। अगर आप किसी भी अकाउंट की KYC कंप्लीट नहीं करोगे तो वो खाता ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा जनधन खाते में। तो वो जनधन खाते को आप जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट मत बोलो, क्योंकि उसकी जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 1 साल की है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो बैलेंस है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता, और साल में मैक्सिमम क्रेडिट्स आप 2 लाख रुपए की ले सकते हो। मैक्सिमम क्रेडिट्स का मतलब, अगर मान लो आज मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए आए, कल मैंने 10,000 रुपए खर्च कर दिए, फिर परसों मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए आए और फिर मैंने 20,000 रुपए खर्च कर दिए, तो एक बार 10,000 मेरे अकाउंट में, एक बार 20,000 मेरे अकाउंट में, ऐसे करके 30,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ चुके। ऐसे करके पूरे साल में ज्यादा से ज्यादा जो मैं क्रेडिट ले सकता हूं वो 2 लाख रुपए का ले सकता हूं, और वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की है। 1 साल बाद अगर KYC कराओगे फिर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, KYC नहीं कराओगे तो वैसे अकाउंट बंद हो जाएगा। इन जनधन खाते को आप ये नहीं कह सकते कि ये जो जनधन खाते हैं ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, ये यूजलेस बात हो जाएगी। जनधन खाता बहुत रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट है। तो येस बैंक इन सिंपल टर्म्स आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑप्शन नहीं देता, ना ही आपको एक्सिस बैंक देता है फॉर योर रेफरेंस, और ना ही आपको HDFC बैंक देता है, क्योंकि एक्सिस बैंक में, HDFC बैंक में और येस बैंक में आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ता है। अब एक बार हम येस बैंक के जो सेविंग्स अकाउंट है इनका कंपैरिजन करते हैं कि दोनों के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। जो येस बैंक का प्रो अकाउंट है उसमें आपको मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रुपये मेंटेन करना है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और येस बैंक का जो प्रो प्लस अकाउंट है उसमें आपको 25,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। डेबिट कार्ड की फीस की अगर हम बात करें तो येस बैंक का जो प्रो अकाउंट है वहां पे आपको डेबिट कार्ड मिलता है जिसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट डेबिट कार्ड मिलता है, और डेबिट कार्ड का नाम है वीजा प्लेटिनियम डेबिट कार्ड। और वहीं येस बैंक की अगर हम प्रो प्लस अकाउंट की बात करें तो वहां पे जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है उसका नाम है टाइटेनियम प्लस डेबिट कार्ड, जिसकी फीस येस बैंक पे आपको लिखी हुई मिलेगी 399 रुपए, लेकिन इसके ऊपर 18% GST भी लगेगा, तो टोटल फीस हो जाएगी 470 रुपए। यानी अगर हम प्रो अकाउंट की बात करें तो कोई भी फीस नहीं है, प्रो प्लस अकाउंट की बात करें तो डेबिट कार्ड की फीस आपको 470 रुपए पे करनी पड़ेगी। ATM विड्रॉल लिमिट की अगर हम बात करें तो अगर मैं सेविंग्स अकाउंट प्रो अकाउंट की बात करूं तो इस केस में आप 30,000 रुपीज ज्यादा से ज्यादा एक दिन में कैश विड्रॉ कर सकते हो ATM में जाकर के, और अगर मैं सेविंग्स अकाउंट प्रो प्लस अकाउंट की बात करूं येस बैंक के, तो इस केस में आप 50,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा पर डे कैश विड्रॉ कर सकते हो ATM में जाके। इसी तरह अगर हम पोज मशीन ट्रांजेक्शन की बात करें, यानी जैसे आपने काफी बार दुकानों पर देखी होगी कि पोज मशीन पड़ी होती है जिसमें हम कार्ड स्वाइप करते हैं, तो पोज मशीन ट्रांजेक्शन की बात करें तो अगर आपके पास प्रो अकाउंट है येस बैंक का तो उस केस में आप 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन पर डे कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और ऐसी अगर आपके पास प्रो प्लस अकाउंट है तो उस केस आप 1.5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो अगर आपके पास प्रो प्लस अकाउंट है। इसके अलावा ऑनलाइन अगर आपको अकाउंट ओपन करना है येस बैंक में तो इस केस में आपकी मिनिमम एज 18 साल होना जरूरी है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो इस केस में फिर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, आपको ब्रांच विजिट करके ही अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन केस के अंदर क्या होता है कि आपकी वीडियो KYC होती है और उस केस में आपकी एज 18 साल होना कंपलसरी है। तो 18 साल से कम अगर आपकी एज है तो फिर आपको ब्रांच विजिट करके ही अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद एक बार हम इंटरेस्ट रेट्स को भी देख लेते हैं कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रुपए में मेंटेन कर सकता हूं तो इस केस में आप एक बार इंटरेस्ट रेट्स को भी देख लो कि कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा अगर आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हो, और कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखते हो। और दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि 10,000 रुपये मेरे लिए ज़्यादा है, मैं 10,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता, तो फिर मैंने आपको 5 बैंक्स जो बताए हैं उनमें आप इजीली अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप दोनों का ही 5 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के लिंक और 1 येस बैंक का लिंक, यानी 6 के 6 बैंक के जो अकाउंट ओपनिंग के लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। इजीली आप अपना घर बैठे बैठे सेविंग्स अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन कर सकते हो। तो इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो येस बैंक सिंपली ये बोलता है कि अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस 1 लाख रुपये तक रखते हो तो उस केस में आपको 4% इंटरेस्ट रेट मिलेगा सेविंग्स अकाउंट में पैसा
रखने पर। अगर आपका बैलेंस 1 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में, तो उस केस में आपको 4.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ऐसे ही 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में अगर आप बैलेंस रखते हो, तो उस केस में आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और 10 लाख से 25 लाख के बीच में अगर आप बैलेंस रखते हो, तो सेविंग्स अकाउंट में आपको 6% का इंटरेस्ट रेट येस बैंक ऑफर करेगा। ऐसे ही फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें, तो अगर आप 364 डेज की FD ओपन करते हो येस बैंक में, यानी 1 साल से 1 दिन कम तक की, तो इस केस में आपको 5.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप 365 डेज की ओपन करते हो, यानी पूरे 1 साल की, तो उस केस में 6.5% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। तो इस चीज में अगर आप एक FD ओपन करवा भी रहे हो येस बैंक में, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना, क्योंकि 1 दिन के इंटरवल के अंदर ही 0.75% के इंटरेस्ट रेट का फर्क आ रहा है। तो कभी भी गलती से भी 364 डेज की FD मत चूज कर लेना, चाहे ऑनलाइन ओपन कर रहे हो चाहे ऑफलाइन। तो इस केस में आपको भले 1 दिन ज्यादा की करा लेना, यानी एक ऑप्शन आता है 390 डेज का, यानी 1 साल का आता है 365 दिन का, एक ऑप्शन आता है 390 डेज का, 1 साल 29 दिन का, तो वो भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, उसमें भी सेम इंटरेस्ट रेट है। लेकिन गलती से भी 364 डेज की FD का ऑप्शन चूज मत करना, क्योंकि उस केस में आपको सिर्फ 5.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर आप 1 साल की कराते हो पूरे, तो उस केस में आपको 6.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब एक बार हम एट द एंड ऑफ द वीडियो ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, कि अगर मान लो जैसे आप अप्लाई करते हो येस बैंक सेविंग्स अकाउंट के लिए, तो उसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करते हो, तो आप येस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। पर मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा, ये कैप्चा कोड एंटर करना है। मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको एंटर करना है, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसके बाद ईमेल आईडी पर एक वेरीफिकेशन के लिए ईमेल आईडी पर लिंक भेजा जाएगा। अपनी ईमेल आईडी फिर आपको विजिट करनी है, जहाँ पे भी एक ऑप्शन दिखाई देगा वहाँ पे क्लिक हेयर का, उस पे क्लिक हेयर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, फिर आपकी ईमेल आईडी भी वैलिडेट हो जाएगी। उसके बाद अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। उसके बाद फिर ये आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देगा, यानी सेविंग्स अकाउंट कौन सा ओपन करना है, सेविंग्स अकाउंट प्रो ओपन करना है या फिर प्रो प्लस ओपन करना है। दोनों के मैंने आपको फीचर्स बता दिए हैं। तो जो भी आपको अकाउंट ओपन करना है, वो आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स, जैसे कि ये पूरी एड्रेस डिटेल एंटर करने के बाद, नेक्स्ट स्टेप में फिर ये आपको ले जाएगा वीडियो KYC के ऑप्शन में, जहाँ पर आपको, जैसे कि आपके सामने येस बैंक का एक एम्प्लॉय आएगा, वीडियो KYC पे ही, यानी वीडियो कॉल पे ही आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और ओरिजिनल पैन कार्ड शो करना है। उसके बाद आपकी जो वीडियो KYC है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी, आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट नंबर आपको जनरेट हो जाएगा, सारी डिटेल्स जो भी डिटेल अकाउंट ओपनिंग रिलेटेड वो सारी आपको बैंक की तरफ से शेयर कर दी जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था, इसको फॉलो करके आप बहुत इजी प्रोसेस है, इजीली अपना अकाउंट जो है ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों ये था एक पूरा का पूरा प्रोसेस। इन केस स्टिल अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है इस अकाउंट से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।